डीआरएफ फैक्ट्री में बड़ा हादसा, दो गंभीर रूप से घायल, एक की मौत। बिजनौर नगीना मार्ग पर देव रबर फैक्ट्री में हादसा होने के कारण तीन लोग झुलस गए। बताया गया कि बॉयलर से गर्म पानी लीक होने पर तीनों लोग झुलसे हैं। हादसे में झुलसे व्यक्ति की हालत ज्यादा खराब होने पर उसको मेरठ रेफर कर दिया गया था। स्थिति गंभीर होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान प्रभात की मौत हो गई। दो व्यक्ति सुभाष व वीर सिंह की जिला बिजनौर के एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, जो बुरी तरह झुलसे हुए हैं। एक व्यक्ति बोलने की हालत में भी नहीं है, जबकि एक व्यक्ति ने पूरा मामला बताया। व्हाइट पीड़ित की परिजन, व्हाइट घायल व्यक्ति, व्हाइट एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी। क्या नाम है आपका? वीर सिंह। क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर, डीआरएफ में मोहित डीआरएफ में काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे आप? वो एक टैंक खोल रहे थे। जैक लगाया हमने, जैक लगा दिया, उसमें दूसरे लड़के ने खुला, उसमें दूसरे लड़के ने बोल कर जैक नहीं खुला, वो ऐसे कोई जोर फटा। क्या चीज फटी उसमें? उसमें पानी भरा हुआ था, खोलता हुआ पानी। कितने लोग घायल हैं इसमें? ये तीन। क्या क्या नाम है उनके? एक का प्रभास है, एक का सुरेश है। अच्छा, ये किसी की ज्यादा हालत गंभीर है? और हाँ, एक दिल्ली गया हुआ है। यहाँ पर कितने भर्ती हैं बिजनौर में? दो है। संपूर्ण प्रकरण 18 जून का है, यानी परसों का। बिजनौर से नगीना रोड पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर देव रबर फैक्ट्री अवस्थापित है, और उस फैक्ट्री में नेचुरल रिक्लेम रबर प्लांट है। उसके बॉयलर से स्टीम भाप निकलने से तीन लोग झुलस गए थे। प्रभात शर्मा गंभीर हालत में सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी दुखद मृत्यु हुई। परिजनों द्वारा दाह संस्कार करा दिया गया है। सुरेश एवं वीर सिंह, उनका इलाज स्थानीय बिना प्रकाश हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। परिजनों द्वारा तहरीर लेकर के मुकदमा कायम किया जा रहा है। दो लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। इनके आर्थिक मदद, चिकित्सकीय प्रबंध एवं अन्य सुख सुविधाओं के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है।